नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदू गॉड्स एंड स्टोरीज। वैसे तो बाबा नीम करोली की कई कहानियां भक्तों ने सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप अच्छी अनुभूति करेंगे। एक भक्त अपनी छोटी सी बेटी को सद्गुरुदेव हनुमान स्वरूप पूज्य बाबा नीम करोली महाराज का दर्शन कराने नैनीताल के पास पहुँचे। वो अपनी बेटी को कैंची आश्रम ला रहे थे। रास्ते में वे चाय पीने के लिए भुवाली में रुके। उसने अपनी लाडली बेटी से पूछा, क्या खाओगी? बेटी ने कहा, पिताजी मुझे गर्म गर्म जलेबी खानी है। लेकिन बहुत ढूंढने पर भी उन्हें भुवाली में जलेबी नहीं मिली। पूज्य बाबा के उस भक्त ने तब अपनी लाडली बिटिया को समझाते हुए कहा कि तेरी मनोकामना कैंची में ज़रूर पूरी होगी। लेकिन पूज्य बाबा के कैंची आश्रम आकर उन्हें पता चला कि आज एकादशी है, इसलिए आश्रम में उबले हुए आलू बने हैं। यही प्रसाद वहां वितरित किया जा रहा था। भक्त ने वही प्रसाद पाया, लेकिन उसकी लाडली बिटिया उदास हो गई। लेकिन जब दोनों पूज्य बाबा का दर्शन करने उनकी कुटिया में पहुँचे और आशीर्वाद लेकर बैठे, तभी पूज्य बाबा ने उदास छोटी बिटिया को देखा और मुस्कुराने लगे। पूज्य बाबा ने उसे दिखाकर कुटिया के द्वार की ओर इशारा किया, तो दोनों ने क्या देखा कि एक व्यक्ति गर्म जलेबी से भरी टोकरी लेकर आ रहा है। तब पूज्य बाबा ने संकेत करते हुए कहा कि सबसे पहले इस छोटी बिटिया का पेट भर दीजिए। जलेबी पाकर उस लड़की के आनंद की सीमा नहीं रही और पूज्य बाबा मुस्कुराने लगे। ऐसी है बाबा नीम करोली की महिमा। प्रेम से बोलो, गुरुदेव महाराज की जय। ये कहानी हमारे मित्र गौरव मिश्रा, जो कि नीम करोली बाबा के सच्चे भक्त हैं, उनके द्वारा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की गई थी, जिसे हमने अपनी आवाज़ दी है। आप बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। बने रहें हमारे साथ और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।